सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है और मैटर के क्या टाइप्स हैं। आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है या मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। सो गाइस, जहां पे जनरली हम लोग पढ़ते हैं मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। सो गाइज, व्हाट आर दीज 5 स्टेट्स? सो इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड 4th स्टेट इज प्लाज्मा, एंड 5th स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। गाइज, यहाँ पे हम लोग जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, मैटर की ये 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्टेट ऑफ मैटर हुज वॉल्यूम एंड हुज शेप इज़ फिक्स्ड, हुज शेप एंड वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड इज कॉल्ड एज सॉलिड। द स्टेट ऑफ मैटर हु लिक्विड के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखा है कि द स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड इज कॉल्ड एज लिक्विड, एंड द स्टेट ऑफ मैटर हुज नाइदर शेप और नॉर वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड इज कॉल्ड एज गैस। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 स्टेट और पढ़ेंगे जो कि क्या है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो गाइज, यहाँ पे डिटेल में तो हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही पढ़ना है, लेकिन प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की भी बात हमें पता रहनी चाहिए। सो गाइज, हम लोग अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि ये स्टेट ऑफ मैटर जो है कितनी है, 5 है। पहले से हमें 3 पता थी, 2 स्टेट अभी हम लोगों ने और देखा। सो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात कर दें कि ये सॉलिड, देखो मैंने यहाँ सॉलिड से पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को लिखा है, यह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसको मेरे यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ हमने क्यों इसको लिखा है? तो रीज़न ये है कि ये स्टेट जो है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, और इस दस और ये सॉलिड से भी कॉम्पैक्ट स्टेट है। जैसे सॉलिड का मतलब हम लोगों को पता है कि हाँ, उसका शेप एंड साइज सब कुछ जो है क्या होगा, फिक्स होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पर ये मोर कॉम्पैक्ट स्टेट है। मींस अगर हम सपोज एक सिचुएशन इमेजिन करें कि अभी जो है हमारे पास आइस है, 0 डिग्री की आइस क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर भी वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। अच्छा, अगर इसी आइस को हम और कूल डाउन कर दें -5 डिग्री पर, तो आइस बिकम मच हार्डर। लेकिन अगर इसी को और ज़्यादा कूल डाउन करके -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दें, तो यू कैन इमेजिन हाउ कॉम्पैक्ट इट विल बी। तो दैट कॉम्पैक्ट स्टेट विल बी द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और एग्जैक्टली सेम अगर हम लोग इधर बात करें, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो सॉलिड विल बिकम लिक्विड, लिक्विड बिकम गैस, एंड गैस का टेम्परेचर अगर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर, जो कि गैस से भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड स्टेज होती है। तो गाइज, अभी हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, इसी की बात करने वाले हैं। मतलब अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ की कंपेरिजन करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग डाल रखा है सॉलिड, ये रहा हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास गैस। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो है बात करेंगे। गाइज, इनमें सबसे पहला तो इनकी डेफिनेशन, सॉलिड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जबकि इसके लिए देखो, लिक्विड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर वो हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन यहाँ गैस की बात करें तो गैस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम फिक्स्ड। मतलब इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम फिक्स है। सो ओके गाइज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज़ द डेफिनेशन बिटवीन देम। आगे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, जबकि लिक्विड क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड, और गैस क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब क्लोज टू ईच अदर होंगे तो वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस,
वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब अब इनके बीच में गैपिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस बट लेस देन द गैसेस. लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस आर लूजली पैक्ड, सो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन द लिक्विड. ओके, सो क्लोजली पैक्ड मीन्स लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. आगे गैस अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोर. सॉलिड के केस में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि यहाँ पर लिक्विड में थोड़ा सा कम हो जाता है वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन गैसेस में क्या होता है, इट्स अ वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यही वजह है कि सॉलिड की जो अगली प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है. जनरली सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, जबकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ लोअर देन सॉलिड, जबकि डेंसिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो, गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है. और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, इवन हम लोग कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, सो दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. जबकि लिक्विड क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब इनमें थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ये गैस की, तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मीन्स गैस को हम कंप्रेस करके कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं. मतलब हम 1 kg गैस को चाहे तो इस रूम में रखें, चाहे तो इतने बड़े से सिलेंडर में उसको पैक करके रख सकते हैं, कंप्रेस करके उस गैस को हम फिल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेसिबल. सो गाइज, होप यू आर अंडरस्टूड कि वट आर दीज थिंग्स. गाइज, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, सो डियर स्टूडेंट्स, 3 states of water. वाटर की 3 states क्या क्या हैं? सो वाटर की 3 states, पहला सॉलिड. सॉलिड में जब वाटर होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? आइस. लिक्विड में जब वाटर होता है तो उसको वाटर ही बोलते हैं. गैस में जब होता है तो इसको स्टीम या वाटर वेपर कहते हैं. तो वाटर जो कि बहुत कॉमन सॉल्वेंट है और कॉमनली हमें मिल जाता है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ. इसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे बॉडी में और इवन इस पूरे यूनिवर्स में. सो विदाउट वाटर लाइफ हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते. सो एयर एंड वाटर तो बहुत नेसेसरी थिंग्स हैं. तो वाटर जिसकी बायोलॉजिकल केमिकल बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. सो ये वाटर के 3 states हैं. ओके गाइस, अगर और आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, प्लाज्मा. मोर डिस्टर्ब्ड स्टेट, प्लाज्मा के बारे में जैसे मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है, मोर डिस्टर्ब्ड स्टेट देन गैसेस. गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, कि जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा में गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होते हैं और यहाँ से वहाँ बहुत ही स्ट्रांगली जा सकते हैं, मीन्स मोर डिस्टर्ब्ड स्टेट. एंड इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है. अगर हम आगे बात करें पॉइंट नंबर 9, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो दिस इज़ मोर कॉम्पैक्ट स्टेट देन द सॉलिड्स. ये सॉलिड्स से ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्टेज होती है. एंड इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.